माननीय सभापति जी, मैं आपके सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली वर्षा व आंधी तूफान से किसानों की फसलों की तबाही की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और किसानों के ऊपर आई इस विनाशकारी विपदा में केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की विशेष अपील कर रहा हूं। मानवर ओलावृष्टि, वर्षा, आकाशीय बिजली तथा आंधी तूफान ने प्रत्येक प्रदेश के अनेक हिस्सों में ऐसा तांडव किया है कि लाखों किसानों का सब कुछ समाप्त हो गया है और किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और गांव में मातम पसरा हुआ है। मानव प्रदेश के अनेक हिस्सों में आलू, गेहूं, सरसों, मसूर, चना आदि की फसलें तथा आम की फसलें पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं। अभी तक प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार आकाशीय बिजली और अंधड़ और भारी वर्षा से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। हजारों लोगों के मकान गिर गए हैं और असंख्य जानवरों की मृत्यु हो गई है। मान्यवर, मैं अभी दो दिन शनिवार रविवार को एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, कासगंज के तमाम गांव में, अलीगढ़, मथुरा में तमाम गांव में घूम करके आया हूं। पूरी तरीके से फसलें चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई है। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार की प्रत्येक जिले में टीम जाए, आकलन करे और सरकार फसल बीमा कंपनियों को कड़ाई से निर्देश दे कि किसानों को तुरंत मुआवजा दे और साथ ही केंद्र सरकार प्रदेश सरकार रेवती रमन सिंह जी।